हाय गाइस, वेलकम टू कागट। आई होप आप सब अपने घर पे हो, सेफ हो। आई एम आल्सो डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी जिस गाड़ी में बैठे हैं ना, मेरे ख्याल से ये कागट पे फर्स्ट टाइम आने वाली है। दिस इज मर्सिडीज GLA 200 CDI। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके इंटीरियर से। मतलब ये गाड़ी एक बोलूंगा मैं लग्जरी हैचबैक में आ जाती है। वैसे तो मतलब मिनी SUV के कंपैरिजन में आप कर सकते हो इसको, बट ये लग्जरी हैचबैक वाले सेगमेंट में आ जाती है। और बेस्ट पार्ट ये है, इसकी ग्लास रूफ विच हैज टू सनरूफ्स। मतलब मेरे ख्याल से एक बार ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। वैसे मेरे को पता है शायद ये वाली नहीं खुलती, वो वाली सॉरी ये वाली खुलती, वो वाली नहीं खुलती, बट एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूँ। एंड दिस कार लुक्स रियली नाइस फ्रॉम द इनसाइड। बाहर से तो आपने कलर देख ही लिया होगा, हॉट रेड कलर आता है मर्सिडीज में, इसको बोलते हैं। तो ठीक है यार, ये है गाड़ी की चाबी, ये है गाड़ी की चाबी। दिस इज़ द की ऑफ द कार लुक्स लाइक। इसको इंसर्ट करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले जो मैंने कमिटमेंट की थी आपको, उससे ही हम स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट बाय ओपनिंग द सनरूफ्स। एंड ये आप देखना इसको, तो इतनी छोटी सी गाड़ी में जो हमारे को बाहर से देखने में लगता है एक हैचबैक है, उसमें दो है। एक यहाँ पे सनरूफ है जो ओपन होती है, एंड पीछे पैनोरमिक मूनरूफ है जो कि ओपन नहीं होती, विच गिव्स रियली एंड एरी फील टू दिस कार। बाकी सीट्स वगैरह आप देख रहे हो। बाकी मैं पूरा एक बार आपको अंदर से दिखा दूंगा गाड़ी कैसी है। बाय द वे ये जो है ये ओपन हो जाती है, मैं एक बार आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ, एंड कुछ ऐसी फील आती है ओपन होके। मैं सही बोलूंगा काफी बड़ी है। चलो वो भी सही है, उसको आप करना चाहो तो आप उसको पीछे भी कर सकते हो, आपके ऊपर होता है। सारे कंट्रोल जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी हमने सारे कंट्रोल जो है इस गाड़ी के वो चेक करके देख लिए, ऑल आर इंटैक्ट एंड इन वर्किंग कंडीशन। ये देख रहे हो ये टच स्क्रीन नहीं है, इसको आप कंट्रोल कहाँ से कर सकते हो, इसको आप यहाँ से कर सकते हो। मतलब जैसे आप इसको ऐसे रोटेट करोगे, बैक जाना है बैक जाओगे, या जो भी आपको करना है वो करके आप इसको पूरा इसको कंट्रोल कर सकते हो। एंड मैंने ये सब भी टेस्ट करी थी, ये आप देख रहे हो कैसे आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। पूरा लिटरली ये पूरी तरह रोटेटेबल है। एंड ये बस यहाँ पे नहीं, हमारे को यहाँ पे पांच मिल जाते हैं, दो उधर एंड तीन बीच। हर की बात अंदर से करते हैं तो बीच में आप देख रहे हो हमारे को ऐसे कुछ क्लासिक सा इंटीरियर मिल जाता है। बाय द वे 2015 की ये कार है, तो उसी हिसाब से आप इसको देखना। एंड यहाँ पे हमारे को ऐसे करके कुछ ये मिल जाता है। बाय द वे स्पेस हमारे को यहाँ पे भी मिल रही है, इधर भी मिल जाती है, तो स्पेस की कोई कमी नहीं है। इंटीरियर मतलब ऐसे छोटी छोटी जो जगह पे स्पेस है। मैं आपको पीछे का भी दिखा दूंगा, थोड़ी बहुत एम्पल स्पेस है हमारे पास, नी रूम हेडरूम लेगरूम सब कुछ ही है इसमें। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग सीट्स एडजस्ट कर सकते हो। मेमोरी सीट्स के हमारे को ऑप्शन उस साइड भी मिल जाते हैं, इस साइड तो ऑब्वियसली मिल ही जाते हैं। इस पार्ट ये है इसका कि आपको इसको ना नीचे से एडजस्ट नहीं करना पड़ता, वहां से जहां से यूजुअली गाड़ी का होता है आप इसको यहीं से एडजस्ट कर सकते हो। मैंने शायद काफी बार ये चीज बोल रखी है, बट अगेन बोलने में मजा आता है क्योंकि मर्सिडीज हमारे को देखती है। तो इसमें हमारे को पेडल शिफ्टिंग वगैरह मिल जाती है। इस साइड हमारे आ जाएंगे वाइपर कंट्रोल्स इंडिकेटर वगैरह के, इस साइड हमारी आ जाएगी गियर, इसकी गियर हमारे को यहाँ पे मिल जाती है, जो भी आप देख रहे हो PR&D वगैरह ये सब हमारे को यहाँ पे मिल जाता है। बाकी ये स्पोर्ट्स है, यहाँ पे हमारे को लिमिट सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। इस साइड है इसकी जो हैंड ब्रेक आती है, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स आती है वो इधर आती है नीचे के साइड पे। मतलब यहाँ स्टेयरिंग है, वहाँ पे हमारे को उसकी हैंड ब्रेक मिल जाती है, जो आप उसको पुल पुश करके एडजस्ट कर सकते हो। ऑटोमेटिक गाड़ी है, कोई बोलने की बात ही नहीं है उसमें। तो ठीक है, इंटीरियर मैंने आपको ऑलमोस्ट दिखा दिया। लेदर सीट्स वगैरह हमारे को मिल जाती है, जैकेट का लेदर और इसका लेदर ना मिलके थोड़ा बहुत वो शोर मचा रहा है, उसको थोड़ा वो करना। बाय द वे ये भी SM मोटर्स का प्रोडक्ट है, हम अभी SM मोटर्स पे हैं, तो आप यहाँ पे इनको विजिट कर सकते हो। इनकी डिटेल जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस गाड़ी की भी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो ठीक है, यहाँ से बाहर निकलते हैं, आपको गाड़ी की बैक साइड की कंडीशन दिखा देता हूँ, फिर एक्सटीरियर की कंडीशन दिखा देता हूँ। तो हमने फ्रंट से तो देख ली थी, अब बैक साइड से आप देख लो, ये पैनोरमिक मूनरूफ मिल जाती है, वो हमारे को सनरूफ मिल जाती है ऐसे करके। फ्रंट साइड से आप देख रहे हो कुछ ऐसी लग रही है गाड़ी, बैक साइड में हमारे को ये मिल रहा है। ये मेरे को ना नॉर्मल गाड़ियों के कंपैरिजन में काफी ऊंचा लग रहा था, फिर मैंने एक्चुअल में इसको बैठ के देखा, यहाँ पे रियलाइज करा कि ये तो बिल्कुल ही परफेक्ट उसमें है। तो यहाँ पे हमारे को ऐसे करके कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं, ये वाली इसमें टेक्नोलॉजी लगी हुई है, मतलब यहाँ पे आप कप डालोगे नीचे ये आ जाता है संभालने के लिए। इसको बंद भी कर सकते हो, ओपन रखते बेटर है। यहाँ पे भी हमारे को थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है, जैसे कि मैंने बताया था नी रूम भी अच्छा खासा है, लेग रूम भी अच्छा खासा है, और हेड रूम तो मेरे पास है ही। अगेन इसकी वजह से ना गाड़ी में जो एरी वाली फील है वो लिटरली काफ़ी सही है। तो ठीक है यार, अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, गाड़ी के आपको एक्सटीरियर की कंडीशन दिखाता हूँ। तो सामने से बात करें तो गाड़ी हमारे को कुछ ऐसे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हमारे को उसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स वगैरह मिल जाते हैं, ऐसे DRLs भी हैं, इंडिकेटर भी उधर ही है। नीचे आप देख रहे हो हमारे को ऐसे करके इसकी फ्रंट ग्रिल मिल जाती है, जो कि यहाँ से देखें तो हल्की वेंटिलेटेड है। नीचे से नहीं है, मर्सिडीज़ के लोगों के पास से नहीं है, बट वैसे है। इसको थोड़ा मैं ना जूम आउट करता हूँ, बेटर दिख रहा होगा। तो वेंटिलेटेड है, ठीक है, बड़ा इंजन है तो ज़रूरत तो होती है। दिस इज़ आउट द फ्रंट ऑफ द कार लुक्स लाइक। बिल्कुल एक स्क्रैचलेस बॉडी हमारे को मिल जाती है, शाइनी रेड कलर की, रेड भी क्या, हॉट रेड कलर की। 53,000 माइल्स चली हुई गाड़ी, हमने अंदर बैठ के देखा था। उस हिसाब से आप टायर्स की कंडीशन देख लो, बिल्कुल ही टॉप नॉच, मतलब काफ़ी सही कंडीशन में है। मैं तो बोलूँगा शायद ये 80% भी वेयर आउट नहीं हुआ है, तो आप इसको आराम से अभी तो अच्छा खासा चला सकते हो। जो भी है, मतलब जो भी पहले वाला ओनर था उसने या तो चेंज करवाए होंगे या फिर मतलब लिटरली अच्छे से मेंटेन कर रखी है। योकोहामा के टायर्स लगे हुए हैं ना, हाँ
तो एलॉयज हमारे को ऐसे करके देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी गाड़ी का जो साइज़ है उसके हिसाब से टायर की प्रोफाइल लिटरली काफ़ी सही लग रही है। बाकी क्रोमिंग वगैरह और रखी है ऊपर, रूफ रेल्स भी मिल जाते हैं। ऊपर का जो इसका टॉप है वो पूरा ग्लास टॉप है, आप ऐसे करके देख सकते हो। इसमें UP16 की रजिस्ट्रेशन मिल जाती है एंड नंबर आपके सामने 1235, तो आप इसके सर्विस रिकॉर्ड वगैरह निकाल सकते हो, हमारे पास भी वैसे अवेलेबल हैं। तो बैक साइड से कुछ ऐसी है, पीछे रियर वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है। एक बार डिक्की ओपन करके देख लेते हैं गाड़ी की कैसी है। एंड दिस इज़ द बूट ऑफ द कार लुक्स लाइक। ये पार्सल ट्रे है, आप इसको हटाने को हटा भी सकते हो। नीचे हमारे को ऐसी कुछ स्पेस मिल जाती है, यहाँ से आप अंदर एक्सेस कर सकते हो। डोनट टायर भी है, मेरे ख्याल से ये भी अनयूज्ड ही होगा। यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, इसको यहाँ से हमने करा बंद। CDI मतलब डीजल है। एंड बैक साइड से भी आपने पूरी कंडीशन देख ली कैसी है। पीछे हमारे को दो एग्जॉस्ट मिल जाते हैं जो कि लुक और ज़्यादा ही एनहांस कर रहे हैं। बैक साइड से कुछ ऐसी लग रही है। अब हम आ जाते हैं इसकी राइट हैंड साइड प्रोफाइल पे, एंड दिस इज ऑफ द राइट हैंड साइड प्रोफाइल ऑफ द कार लुक्स लाइक। तो इस गाड़ी की बाकी सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ऐसे मोटर्स की डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इफ यू वॉन्ट दिस कार डू लेट देम नो, इफ यू वॉन्ट एनी अदर कार तो भी हमें बताओ। आपके लिए रोज़ नई गाड़ी लाने का ट्राई कर रहा हूँ। स्टे ट्यून्ड टू कारगेट। बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ।